पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, डेंगू को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश। सरकार और प्राइवेट स्कूल के लिए डीएम का निर्देश। छात्रों के लिए स्कूल में जारी किया गया नया ड्रेस कोड। फुल शर्ट और फुल पैंट पहनकर स्कूल आना अनिवार्य होगा। स्कूलों में साफ सफाई को लेकर जो सावधानी है वो बरतने के आदेश दिए गए। स्कूलों में और आसपास के एरिया में एंटी लार्वा छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बीते शनिवार को पटना में 70 नए मरीज मिले, जिसको मिलाकर पटना में अब तक डेंगू के 262 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें पीएमसीएच में डेंगू के 14 मरीज भर्ती हैं। इसके साथ ही बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 541 तक पहुंच गया। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा हमें देंगे। बात है कि डेंगू की रोकथाम को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखिए कि 24 घंटे की ही बात करें तो 28 नए संक्रमित पटना में मिले हैं, और फिर पटना की ही बात कर लें तो 254 के पार इनकी संख्या पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है। भले ही स्वास्थ्य महकमा ये कहे कि अंडर कंट्रोल सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ भी अब अंडर कंट्रोल नहीं दिख रहा है। इससे ज्यादा तादाद है जो लोग घरों में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर फॉगिंग की बात करें तो फॉगिंग भी उस तरह से हम नहीं देख पा रहे हैं जितनी फॉगिंग की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सवाल है उन तमाम संस्थाओं पर जो पटना में फिलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर बरसात के समय में कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, लेकिन ज्यादातर संस्थाएं कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, गड्ढे खोद कर छोड़ रही हैं, उसमें पानी भर रहा है, उसमें लार्वा पनप रहे हैं, और यही कारण है कि राजधानी पटना और बिहार के अन्य जिलों में डेंगू के मामले तेजी से पांव पसार रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, इसके अलावा पटना एम्स, गार्डिनर रोड अस्पताल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बेड्स की भी व्यवस्था है कि अगर सिचुएशन आने वाले समय में कंट्रोल से बाहर होती है तो फिर लोगों को वहां समुचित इलाज मिल सके, लोग रिकवर होकर घर जा सके। लेकिन जिस तरह की तैयारी नगर निगम की, स्वास्थ्य महकमा की होनी चाहिए डेंगू के कंट्रोल को लेकर, वो हमें कहीं नहीं दिख पा रही है। बिल्कुल रितेश, और देखिए ये भी जानना चाहूंगी, नया ड्रेस कोड लागू किया गया है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, उसको लेकर भी कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के लिए पटना के जिलाधिकारी ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। उसके अनुसार सभी बच्चों को अब पूरी बांह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर स्कूल आना अनिवार्य कर दिया गया है, और इसे बाकायदा सुनिश्चित करेंगे स्कूल के प्राचार्य। इसके अलावा स्कूल के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था रखनी है, लगातार वहां पर छिड़काव करवाना है, और ना सिर्फ स्कूल प्रेमाइस के अंदर बल्कि स्कूल के बाहर भी साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है वो स्कूल प्रबंधन की होगी। और इसमें अगर कोई स्कूल प्रबंधन कोताही करेगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, एडीएम का कहना है। तो डेंगू की रोक को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है, लेकिन इस प्रयास में और तेजी लाने की जरूरत है और इसे और व्यापक बनाने की जरूरत है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रितेश।